हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पूनम और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बुक के कुछ पोर्शन है, कुछ पैराग्राफ है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारा और समझा कि ये भी जो पूरी दुनिया है वो मेरे लिए भी है और जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। जैसे मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है तो मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं लड़की हूँ, मेरे लिए सेफ़ नहीं है या मैं कहीं जा नहीं सकती या अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकती। तो मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं इसको पढ़ने के बाद। ये जो बुक है अनुराधा बेनीवाल का आज़ादी मेरा ब्रांड, उसका जो लास्ट पृष्ठ है उस पर लिखा गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अनुराधा बेनीवाल जी का, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ लिखा है जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है और जो जिसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बदल रही है। तो मैं आपको ये चीज़ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बुक तो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे पास उस लास्ट पृष्ठ का मैंने फ़ोटो खींच के रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरी ट्रिप यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से पेरिस और फिर वहाँ से वापस लंदन, बस। लेकिन मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और तुम्हारी भी। तुम चलना, अपने गांव में नहीं चल पा रही हो तो अपने शहर में चलना, अपने शहर में नहीं चल पा रही हो तो अपने देश में चलना। अपना देश भी मुश्किल करता है चलना, तो ये दुनिया भी तेरी ही है, अपनी दुनिया में चलना। लेकिन तुम चलना, तुम आज़ाद, बेफिक्र, बेपरवाह, बेकाम, बेहया होकर चलना। तुम अपने दुपट्टे जलाकर, अपने ब्रा साइड से निकालकर, खुले फ्रॉक पहनकर चलना। तुम चलना ज़रूर, तुम चलोगी तो तुम्हारी बेटियां भी चलेंगी और मेरी बेटी भी, फिर हम सब की बेटियां चलेंगी। और जब सब साथ चलेंगे तो सब आज़ाद, बेफिक्र और बेपरवाह ही चलेंगी। दुनिया को हमारे चलने की आदत हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आदत डलवानी पड़ेगी। लेकिन डर कर घर में मत रह जाना, तुम्हारे अपने घर से कहीं ज़्यादा सुरक्षित या पराई अनजानी दुनिया है, वह कहीं ज़्यादा तेरी अपनी है। बाहर निकलते खुद पर यकीन करना, खुद पर यकीन रखते हुए घूमना। तो खुद अपना सहारा है, तुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। तुम अपने आप के साथ घूमना, अपने गम, अपनी खुशी, अपनी तन्हाई सब साथ लिए लिए इस दुनिया के नायाब खजाने ढूंढना। यह दुनिया तेरे लिए बनी है, इसे देखना ज़रूर, इसे जानना, इसे जीना। यह दुनिया अपनी मुट्ठी में लेकर घूमना, इस दुनिया में गुम होने के लिए घूमना, इस दुनिया को खोजने के लिए घूमना, इसमें कुछ पाने के लिए घूमना, कुछ खो देने के लिए घूमना, अपने तक पहुँचने और अपने आप को पाने के लिए घूमना। तुम घूमना है ना, बहुत अच्छी लाइन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर कुछ ऐसे उलझन में फंसे हुए हो तो जहाँ से नहीं निकल पा रहे हो तो इसको पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करो। आप बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।